ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आपके पास कोई सा भी ब्राउज़र है, अगर कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं क्रोम से ही ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्रोम पे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको सर्च बार पे चले जाना है। यहाँ पे सर्च करना है सोशल ब्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे socialblade.com आ चुका है, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, आप भी सर्च कर लीजिए पूरा लिख के अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे सर्च टूल दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे सर्च करना है। अगर आप कोई सा भी यूट्यूबर का, आपका फेवरेट यूट्यूबर जो भी है, उसका चैनल का नाम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। तो मेरा पहले देखा जाता हूँ, मैं क्रिमिनाटी का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है। सर्च करने के बाद यहाँ पे क्रिमिनाटी का लोगो आ चुका है सेकंड में, तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल पूरा डैशबोर्ड आ चुका है मेरे सामने, और थोड़ा सा जूम कीजिए आप। जूम करने के बाद आपको पूरा दिख जाएगा कि एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग और एस्टिमेटेड ईयरली अर्निंग, मतलब महीनों में कितना कमाता है और पूरा साल में कितना कमाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे भी और भी फैसिलिटीज़ है। आप यहाँ पे वीडियो की अर्निंग और सब्सक्राइबर कितने गेन हो रहे हैं किस वीडियो पे, ये सब भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अभी चलते हैं दूसरे और यूट्यूबर के नाम सर्च कर लेते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए, जूम करने पे यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एंटर यूट्यूबर्स नेम दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है जो भी आपका यूट्यूबर फेवरेट है सेकेंड। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ मनोज दे, तो मैंने यहाँ पे मनोज दे का नाम लिख दिया है, तो यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सिंपली सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे मनोज दे आ चुका है। कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे साइट पे नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे राइट लीजिए। राइट लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट चैनल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मनोज दे की पूरी डैशबोर्ड आ चुका है यहाँ पे, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कमाता है कोई भी यूट्यूबर। ठीक है, और एंड में मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो भी अर्निंग शो हो रहा है ये पूरा सच नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई सा भी यूट्यूबर महीने में कितना कमाता है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए दिया गया है। अगर आप ये सोचते हो कि ये पूरा सच है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर का अर्निंग शो वो से भी वो वीडियो पे भी नहीं करते, और ऐसे साइट पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो या ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एक यूट्यूबर महीनों में और सालों में कमाता है। ठीक है।